फिर क्या आएगा कि एक ईयर में वो कंपनी का मार्जिन ट्वेंटी परसेंट से थर्टी परसेंट चले जाएगा क्योंकि वहां पे कोई ना कोई प्राइसिंग शॉर्टेज हुई होगी या कोई ना कोई प्रोडक्ट की शॉर्टेज हुई होगी सो दिस इज द आइडिया ऑफ कि वो कंपनी उस टाइम ओवर अर्निंग कर रही है एंड वापस में जब वर्ल्ड बेसिकली रिवर्स बैक टू मीन जैसा होता ही है दुनिया के अंदर रिव्यन टू मीन होता ही है कि जैसे अगर आज आप भी देखेंगे तो कोविड के बाद साइकिल्स मार्केट में बहुत ज्यादा स्विफ्ट एंड तेज हो गई हैं तो जिन कंपनीज ने ओवर अर्निंग करी थी अब उनकी जितनी भी ओवर अर्निंग थी इस टाइम पे इवेपोरेट हो रही है एंड दे आर गोइंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स लेवल इट कम्स टू मार्जिन सिमिलरली जब भी आप किसी भी कंपनी को पढ़ रहे हैं तो उसके लॉन्ग टर्म मार्जिन देखिए एंड अगर आज मार्जिन बहुत एलिवेटेड है तो ऑलवेज आज वाई की मार्जिन एलिवेटेड है कंपनी क्योंकि अगर प्राइसेज डिक्रीज होंगे तो फिर बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है और इसी को हम एक्जैक्टली exactly कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रिवर्स डेट इज जोन ऑफ डेंजर जोन ऑफ डेंजर क्या होता है जब आप पीक वैल्यूएशन uh, पे पीक मार्जिन पे कंपनी खरीद ले और पीक प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी खरीद लें तो लॉसेस के जो चांसेस होते हैं एटलीस्ट इन द नियर टर्म वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं सो दिस इज द आइडिया ऑफ जोन ऑफ डेंजर जो आप सबको याद रखने ज वॉट अंडरअर्निंग जब कंपनीज के जो लॉन्ग टर्म मार्जिन है जैसा अगर ट्वेंटी परसेंट लॉन्ग टर्म मार्जिन है बट कंपनी का अभी मार्जिन फिफ्टीन सिक्सटीन परसेंट चल रहा है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन एन प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर गए उसके अलावा कुछ भी मतलब वा, एक क्वार्टरली ब्लिप हो सकता है वन ऑफ रीजन हो सकते हैं कंपनी कोई नया प्लांट लगा रही है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ गया सो दिस इज द आइडिया वेन दंपनीज अंडर अर्निंग अगर लॉन्ग टर्म एवरेज से मार्जिन नीचे चले जाएं, अंडर अर्निंग में चले जाएं, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको कंपनी को और तेजी से पढ़ना चाहिए बिकॉज यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है द कंपनीज अंडर अर्निंग राइट नाउ कंपनी पीक प्रॉफिट्स में नहीं है एंड उस टाइम पे वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी रीजनेबल होते हैं सो दिस इज द आइडिया ऑफ ओवर अर्निंग एंड अंडर अर्निंग जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट में जरूर एड करना चाहिए बिफोर वी गो फॉर्वर्ड इन के अंदर भी एक बुक गिव अवे एंड इस बार हम कौन सी बुक गिवे कर रहे हैं बुक इज हंड्रेड बैगर्स बाय क्रिस्टमेड इस बुक में कैसे पी ए मल्टीपल्स एक्सपैंड होते हैं वॉट आर द ट्रेड्स ऑफ हंड्रेड बैगस बाय आर ओ सी मैटर्स किस टाइप की इंडस्ट्रीज में हंड्रेड बैगस बने ये सारी चीजें इस बुक के अंदर है एंड इस बारिडियो में थ्री बुक गिव अवेज है एंड ऑल दीज बुक गिव अवेज विल भी डन इन द मिडल ऑफ द वीडियो जहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सही से देंगे कॉमेंट सेक्शन में सो यू विल एंड ऑफ विनिंग द बुक एंड बुक के जो विनर्स है दट विल डिसाइव डेज एंड ऑल्सो बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द बुक गिव अ कॉन्टेस्ट डू नॉट फोरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के दे आर एलिजिबल फॉर द बुक गिव अवे एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर यू लाइक द वीडियो विद दिस विल स्टार्ट दालिस ऑफ गुजरात फ्लोर केमिकल्स फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज करेगा कि वाई आर वी स्टडिंग गुजरात केमिकल्स तो गुजरात गुजार केमिकल्स को क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरी फ्लोरीन स्पेस कवर कर लिया तो पहले हमने आज से चैनल पे 2.5 पॉइंट फाइव ईयर अगो नवीन फ्लोरीन पे वीडियो बनाई थी एंड वह वीडियो भी देख सकते हैं फिर हमने एस आर एफ की वीडियो चैनल पर सिक्स मंथ्स पहले बनाई थी एंड थर्डली अब हमारे पास कौन सी कंपनी रहेगी स्पेस में डेट इज गुजरात गुजार केमिकल्स तो वाई आर वी कवरिंग दिस स्पेस बिकॉज इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर आप आ, सारे कंपनीज का मार्जिन देखते हैं तो केमिकल कंपनीज और आ, जो भी फार्मा कंपनीज या बी टू बी थे उनके मार्जिनस काफी नीचे गए हैं वेराज अगर आप इन तीन कंपनीज के मार्जिन देखते हैं तो नवीन फ्लोरिन के केस में दे रिपोर्टेड ट्वेंटी सेवन परसेंट ईबिटा मार्जिन जो उनकी का, काफी ज्यादा हाई मार्जिन था एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर भी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट था एसआरएफ का जो ईबिट मार्जिन था वो थर्टी टू परसेंट का था जो लास्ट क्वार्टर में ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन परसेंट का था तो गुजरात फ्लोकेमिकल के, के केस में मार्जिन थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन परसेंट था जो लास्ट क्वार्टर में भी थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन परसेंट था एंड जो लास्ट ईयर में थर्टी थर्टी थ्री टू थर्टी फोर परसेंट के आसपास था अगेन वी ट्राई टू स्टडी कंपनीज जहां पर थोड़ा सा भी कंपनीज प्राइसिंग पावर डिमांस करें बट वी ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई की ओवर अर्निंग की वजह से तो नहीं है जिसको हम रिस्क की तरफ जाकर जरूर देखेंगे एंड रिस्क वाला पार्ट आप इस वीडियो में जरूर देखना बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली एनालाइज की वेदर कंपनीज में जब हम उनको पढ़ते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में फेवरेबल होता है या नहीं होता एंड जब हम इनके मार्जिन देख रहे हैं तो टुवर्ड्स देंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट वेदर दीज कर्निंग और नॉट बिकॉज रिस्क रिवार्ड पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आज मार्जिन इनके इवेपोरेट तो नहीं कर जाएंगे और आर दीज मार्जिन सस्टेनेबल तो यहाँ पे गुजरात केमिकल्स की हिस्ट्री देखते हैं तो गुजरात केमिकल्स इज दंपनी विच वॉज बेसिकलीटअप वे बैक इन नाइनटीन एटी सेक्चर रेफ्रिजरेंट्स इन इंडिया तो गुजरात केमिकल्स रेफ्रिजरेंट मैनुफैक्चर करती है एंड नाइनटीन एटी नाइन में इन्होंने एक टेक्निकल कोलेबोरेशन करा था विद स्टॉफर केमिकल जो एक कंपनी यूएस की है एंड उस कोलेबोरेशन के बाद इन्होंने वाडोड्रा में एक प्लांट लगाया था 1988 में कंपनी का आईपीओ आया था एंड उस टाइम पे आईपीओ जब आया था तो कंपनी जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन रेफ्रिजरेंट गैसेज है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लाई तो रेफ्रिजरेंट गैसेज होती हैं एक बार ही हम ये समझ लेते हैं तो आपके जो भी एसी में गैस डलती है जो भी गाड़ी के एसी में गैस डलती है जहां जहां अगर मॉल्स के अंदर जो AC's चल रहे हैं उसमें गैस चल रही है इंडस्ट्रियल कूलिंग सोल्यूशन में जहाँ गैस चल रही है तो उनको हम रेफ्रिजरेंट गैसेज कहते हैं बिकॉज दे हेल्प टू कीप थिंग्स कूल और दी एटमोसफेयर कूल तो ये रेफ्रिजरेंट गैसेज होती हैं, एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स कैसे स्टार्ट हुआ बाय बी मैन्युफेक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेज आज इंडिया में चार पांच ही मैन्युफेक्चर है रेफ्रिजरेंट गैसेस के एक एस के पास सबसे वाइडस्ट पोर्टफोलियो है फिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के बाद एस आर से थोड़ा सा कम वाइड पोर्टफोलियो है बट काफी ज्यादा वाइड पोर्टफोलियो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का भी है फिर थर्ड नंबर में नवीन आते हैं फिर एक और कंपनी बहुत छोटे स्पेस में आते हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से सो सेट इज ऑल्सो मैनुफेक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेज इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री देखते हैं गुजरात केमिकल्स की तो जब इन्होंने स्टार्ट करा था मैन्युफैक्चरिंग करना तब इन्होंने कॉस्टिक सोडा और क्लोरोमीथेन जो दो तरीके के बल्क केमिकल्स हैं वो ऐड करें एंड देन इट बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आर ट्वेंटी तो आर ट्वेंटी टू रेफ्रिजरेंट गैस के साथ साथ कंपनी आर वन रेफ्रिजरेंट गैस भी बनाती है और आर फोर वन रेफ्रिजरेंट गैस भी बनाती है एंड आर फोर और ये सारी गैसेस कहा यूज होती है अगेन कार्स के एसी में या घर के फ्रिजेस के अंदर इन गैसेज का यूसेज है दिस इज द वेरी वेरी बेसिक यूजेज ऑफ रेफ्रिज़रेंट गैसेज इसके साथ अगर हम कंपनी की एवोल्यूशन देखते हैं तो कंपनी की एवोल्यूशन में कंपनी ने ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन में फ्लोरोपोलिमर्स की मार्केट एंटर करी तो फ्लोरोपोलिमर्स की मार्केट की हम आपसे बात करेंगे फ्लोरोपोलिमर्स होते कहें सो दीज आर अ टाइप ऑफ हार्ड एंड मटीरियल या हार्ड एंड प्लास्टिक जो कि माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे नहीं ब्रेक करेगा एंड प्लस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे भी ब्रेक नहीं करेगा सो so, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इस मार्केट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ थ्रू आउट द वीडियो तो so, इन्होंने टू थाउजेंड सेवन में फ्लोरोपोलिमर्स मैन्युफेक्चर फ्लोरो करने स्टार्ट करे और आज ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोरो पॉलिमर्स मैनुफेक्चर है सो दिस कंपनी बिलोंग्स टू दी आईनॉक्स ग्रुप एंड आइनॉक्स ग्रुप की और भी बहुत सारी सब्सिडरीज है एंड आइनाक्स ग्रुप का जो पहले जो आपके जो फिल्म थिएटर्स हैं उनके अंदर भी बिजनेस होता था आई थिंक वो पी साथ अब के पे मर्जर हो गए देन उनका ग्रीन एनर्जी का भी बिजनेस है विंड एनर्जी का भी बिजनेस है एंड फाइनली जो उनका ये बिजनेस है इज ऑफ केमिकल बिजनेस एंड इस कंपनी का डी मर्जर और ट्वेंटी में कंप्लीट हुआ था तो जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज है उनको डी कर दिया था पर आज भी वहां पर थोड़ी थोड़ी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बिल्कुल रहती हैं तो इसको हम जो एंटी थीसिस पॉइंटर और रिस्क है उसके अंदर जाके कवर करेंगे कि जो रिलेटेड पार्टी

फाइव जी काफी जगह उनकी एप्लीकेशन है तो वहां पे एंटर करने के बाद वहां पे वो बिजनेस भी बहुत तेजी से स्केल अप हुआ है तो उस बिजनेस को भी हम इंडेक्ट पढ़ेंगे बट दिस इज द बिजनेस इन अब हम बात करते हैं कि हम केमिकल कंपनीज को जब पढ़ते हैं तो वाई डू वी लुक एट इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है कि अब जो स्क्रैच से माने रॉ मटेरियल से एवरीथिंग यू आर मेकिंग इन हाउस आप कुछ भी चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहे जितनी भी केमिकल कंपनीज या फिर जो भी बी टू बी बिजनेस के बारे मार्जिन गंदे आए हैं इस वजह से आए हैं क्योंकि अब चाइना से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगेन वहां पे आ, कभी कभी रॉ मटेरियल मिलेगा कभी कभी नहीं मिलेगा तो अप एंड डाउन भी हो सकती है प्राइसिंग के अंदर बहुत तो यहाँ पे एक बार देखते, है है तो देखते हैं कि कैसे पूरी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है यहाँ पे पे हम गुजरात फेरोकेमिकल्स की वैल्यू चेन देखते हैं कि वैल्यू चेन में बिजनेस क्या करते हैं कैसे वैल्यू चेन में फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है तो लेट्स लुक एट द वैल्यू चेन फ्रॉम स्क्रैच तो वैल्यू चेन अगर आप देखते हैं गुजरात फेरोकेमिकल्स की तो पहले यहाँ पे नेचुरल गैस और कोल यूज होते हैं जिससे सीपीपी बनता है देन पावर एंड सॉल्ट का यूसेज होता है तो so, एक चीज आप याद रखना कि जब आप गुजरात केमिकल्स का बिजनेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पावर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑलमोस्ट फिफ्टीन टू सेवनटीन परसेंट है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी पावर इंटेंसिव बिजनेस इस वजह से बिजनेस इस टाइम पे दे आर ट्राइंग टू इंस्टॉल विंड मिल्स जिससे इनका पावर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आगे जाने आगे आगे जाने वाले टाइम में गिर जाए तो जैसे इस बाई जो पावर कॉस्ट की सेविंग है एक इनका ऑलमोस्ट प्लांट इंस्टॉल हुआ है जिससे फोर्टी करोड़ की हो सकती है सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इसके बाद पावर एंड सॉल्ट के साथ क्या बनता है यहां पे डैट इज कॉस्टिक क्लोरीन कॉस्टिक क्लोरीन के साथ साथ फिर आपका कॉस्टिक क्लोरीन से क्या बनते हैं क्लोरोमीथेन्स तो कॉस्टिक क्लोरीन के साथ क्लोरीन uh, अगर यूज uh, हो तो क्लोरोमीथेन्स बन जाते हैं सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन एंड अगर आप इनके बिजनेस में कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरोमीथेन्स देखते हैं तो इसको बल्क केमिकल बिजनेस कहेंगे

बट अकॉर्डिंग टू किगाली अग्रीमेंट इस गैस को फेज आउट करने का डिसीजन लिया गया इस गैस को क्यों फेज आउट कर रहे हैं बिकॉज यह गैस बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है तो इस गैस की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज वन ऑफ द हाईस्ट दिस इज वाई बाय ट्वेंटी थर्टी दिस विल बी कंप्लीटली फेज आउट फॉर एमेसिव यूसेजेस तो चाइना के अंदर इसका फेज आउट स्टार्ट हो गया इंडिया में भी फेज आउट स्टार्ट हो गया यूएस में भी फेज आउट स्टार्ट हो गया वेस्टर्न कंट्रीज में भी फेज आउट स्टार्ट हो गया बट इसके जो नॉन एमेसिव यूसेज है एक तो यूसेज है जिससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग होगी दूसरा यूसेज क्या है जिससे कोई एनवायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी दैट इज नॉन ये आज भी गैस इज अलाउड टू मेक फ्लोरोपोलिमर्स राइट तो अगर आप यहां पे इनकी पूरी वैल्यू चेन देखते हैं तो आर ट्वेंटी टू किससे बनती है क्लोरोमीथेन्स क्लोरोफॉर्म अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो फ्लोरोस्ट और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी है जिसके थ्रू आर ट्वेंटी टू क्लोरोमीथेन्स सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर से बनती है फ्लोरोस्पार भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो इंडियन फ्लोरनेशन कंपनीज चाहे आप एस का एग्जाम्पल है नवीन का एग्जाम्पल है या गुजरात फ्लोरोमिकल्स का एग्जाम्पल है तो आपने कभी सोचा है कि ट्वेंटी से पहले ये कंपनीज इतना अच्छा क्यों नहीं करती थी सिंपल रीजन है क्योंकि चाइना में देर आर मोर देन टू हंड्रेड कंपनीज विच आर इन फ्लोरिनेशन पर चाइना के पास फ्लोरोस्पार का वर्ल्ड का सिर्फ सिक्स टू सेवन परसेंट ऑफ द रिजर्व था तो चाइना एक्चुअली ने चाइना ने एक्चुअली क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया अपने फ्लोरोस्पार रिजर्व को इस वजह से वहां पर एक शॉर्टेज हुई एंड क्योंकि अब आप डोमेस्टिकली फ्लोरोस्पार नहीं सोर्स कर सकते तो आपका जो कॉस्ट कर्व था विद द इंडियन कंपनीज एंड चाइनीज कंपनी वो एकदम सेम हो गया एंड क्योंकि चाइना में बहुत सारी कंपनीज का शटडाउन भी एंड काफी शट डाउन भी नहीं सोर्स कर पाई तो इस वजह से फ्लोर में जो कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश थी लाइक नवीन एस आर एफ एंड गुजरात फेरोकेमिकल्स दे वर एबल टू तो डू रियली वेल एंड गुजरात के, के केस में तो क्या है इनके पास अपनी खुद की कैप्टिव माइंड है इन मोरक्को तो कैप्टिव माइंड है को सोर्स करने की मोरक्को में जहां से फोर्टी परसेंट ऑफ द कैप्टिव फ्लोरोस्पार है उसको सोर्स करते हैं फ्लोरोस्पार की और भी कहां प्रोडक्शन होती है साउथ अफ्रीका में होती है स्पेन में होती है मेक्सिको में होती है मोरिको में होती है चाइना में बहुत कम प्रोडक्शन होती है और इंडिया में भी इसके इतने ज्यादा रिजर्व नहीं है सो so अगेन अगेन फ्लोरोस्पार की कैप्टिव माइन जोन करना भी इज एन ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन जहां पे ओन करते हैं फिर भी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट फ्लोरोसपार इनको मार्केट से सोर्स करना पड़ता है जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं एंड एनवाबे क्योंकि क्लोरोमीथेन्स बना रहे थे उसके थ्रू ये रेफ्रिजरेंट गैस बनाते हैं R22 गैस बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं R22 गैस से एक मटेरियल बनाते हैं बायलेनेम और PTFE अब वाइज PTFE इंपॉर्टेंट बिकॉज़ PTFE PTFE R22 से बनता है PTFE बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता इस वजह से अगर आप देखेंगे तो PTFE से आगे क्या बनता है PTFE PFA और FEP तो पीटीएफई पी एफ ए और एफ एक तरीके के फ्लोरोपोलिमर्स हैं जैसे हमने पढ़ा था कि माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और प्लस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक ऐसे मटेरियल्स जो ब्रेक ना करें डेट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरोपोलिमर्स और इनकी एप्लीकेशन वर्ल्ड में बहुत बढ़ रही है सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोपोलिमर है अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है घर पे तो उसके ऊपर एक टेफलॉन की कोटिंग है टेफलॉन मटीरियल लगाएगा सो डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोरोपॉलिमर जिसको हम पीटीएफई कहते हैं

आना पड़ेगा R22 से आपको TFE बनाना पड़ेगा फिर TFE से आप फ्लोरोपॉलीमरस बनाना स्टार्ट करेंगे सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन कि TFE से FEP PFA और PTFE बनता है और PTFE में भी तीन तरीके के आगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो पाउडर PTFE सस्पेंशन PTFE एंड साथ-साथ इमल्शन PTFE तो जो सस्पेंशन PTFE है वो एक तरीके का कमोडिटी प्रोडक्ट है

और VDC से क्या बनाते हैं आर वन फोर्टी टू बी तो आर वन फोर्टी टू बी भी एक तरीके की रेफ्रिजरेट गैस है क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती थी बहुत ज्यादा कार्बन जो आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे बहुत होती थी। पर आर वन फोर्टी टू बी से बनती है एक चीज इसको कहते हैं वीडिय के नाम से अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा फिर वीडीएफ से क्या बनते हैं पीवीडीएफ और PVDF के पीवीडीएफी पीवीडीएफ के, के, एक तरीके का नया न्यू एज फ्लोरोपोलिमर है यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में होता है कैथोड बाइंडर्स में होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज का जो टेम्परेचर कंट्रोल है कॉनकॉल so से भी कंफर्म होता है कॉनकॉल में किसी ने पूछा कि आपके तो ज्वाइंट वेंचर फॉर फ्लोरस रहे हैं आप टी भी बनाते हैं ट्वेंटी टू uh, का प्राइस कम होएगा तो आप बेसिकली यू कैन मेक लाइक मोर ऑफ टी एंड अगर टीएफ का प्राइस लोअर होएगा तो आपका पीटीएफ या पी एफ ए में मार्जिन बढ़ जाएगा सो दिस इज वॉट द आंसर दैट वी आर कंप्लीटली बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड एंड फॉर एग्जाम्पल आर पीटीएफ फ्लोरोपॉलिमर्स रॉ मटीरियल सॉल्ट पावर एंड मेथनॉल सो मोस्ट ऑफ दिस वी आर एक्चुअली इंसुलेटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कमोडिटी प्राइसिंग वेरिएशन इन द इंटरमीडिएट पार्ट सो आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग इज फाइन सो दिस इज फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस कॉल एंड वाई डज इट मैटर क्योंकि अगर आप आर ट्वेंटी टू का रिसेंटली प्राइस देखेंगे तो आर ट्वेंटी टू के प्राइस बहुत चले गए हैं तो जो भी नॉन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हैं, जो पीटीएफ इंटीग्रेटेड करके नहीं बना रहे जो नॉन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होएगी कि अगर आर ट्वेंटी टू या रॉ मेटीरियल रॉ मेटीरियल का प्राइस बढ़ गया तो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है सिंपली सेल्स माइनस कॉक्स माने मेरे प्रोडक्शन का खर्चा मेरे रॉ मटेरियल का खर्चा अगर उसको मैं सेल से माइनस कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो अगर मेरा रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होएगा पर अगर मैं इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चर हूं तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए तो मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन से क्योंकि मैं इन हाउस ही उसको बना रहा हूं सो दिस इज वाई वी लाइक टू स्टडी कंपनीज विच हैव एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन और मैं आपको सिर्फ यहां पर सिखा ही रहा हूं कि आप वैल्यू चेन्स को पढ़ कैसे सकते हैं एट दी एंड आपको इस बिजनेस को और कैसे प्रोसीड करना है सो दिस वीडियो इज जस्ट द फर्स्ट पॉइंट कि हम बिजनेसिस को पढ़ते कैसे सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू एनालाइज बिजनेसेज इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स चाहे वो केमिकल सेक्टर हो चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो चाहे वो आपका इस टाइम पे लाइक लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस या आपका फ्यूचर में हम एक सेमी कंडक्टर सेक्टर के ऊपर भी करने वाले हैं और इफ इट्स और इफ इट्स अस आर सेक्टर सेक्टर फॉर यू एज अ पार्ट ऑफ एसओ आई सी मेंबरशिप अगर आपको ये सीखना है कि कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं एंड तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग सोल्व करने हैं डेट इज वेन टू बाय Till how long to ride and when to sell. That is also covered in the SYC membership. And finally, what else is covered in the SYC membership is a complete course which will teach you how to filter stocks and make your own watch list. So all these four key parts are part of one SYC membership. And if you want to register for the SYC membership, the link to the membership is there in the description below. Now coming back to the video and the analysis. तो अब हम यहाँ पे जो गुजरात फ्लोकेमिकल्स के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स से, हैं, उनके मार्जिन देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स में क्या मार्जिन बनाते हैं अगेन दिस मार्जिन गाइड इज जस्ट अ गेस्टिमेशन क्योंकि एक्जैक्टली प्रिइसली मार्जिन नहीं देते तो हम यहाँ पे गेस्टिमेट ही ले रहे हैं तो पहला जो इनका बिजनेस है न्यू एज फ्लोरोपोलिमल्स का दिस प्रोबेबली विल बी इन द हाइट मार्जिन बैंड जहाँ मार्जिन ईविटा मार्जिन थर्टी टू फोर्टी के बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं बिकॉज़ न्यू एज फ्लोरोपोलिमर्स के आने से ही प्रोडक्ट मिक्स में इनका जो इबेटा मार्जिन वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए सेकंड हाइएस्ट मार्जिन प्रोबेबली इनके पीटीएफई में होंगे और वैल्यू एडेड ग्रेड्स ऑफ पीटीएफई में जो एक टाइप का फ्लोरोपोलिमर है थर्ड हाइएस्ट मार्जिन इनके फ्लोरो स्पेशलिटी में होंगे फ्लोरो स्पेशलिटी क्या है जो नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ भी करते हैं बट नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ का बिजनेस इनके इस बिजनेस से काफी ज्यादा लार्जर इन साइज है बट यहां पर उन दोनों कंपनीज के मार्जिन ऑन एन एवरेज ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट में फ्लोरो स्पेशलिटी में रहती है फ्लोरो स्पेशलिटी जो

फिर फाइनल बिजनेस सेगमेंट का क्या आता है जहां पे इनके मार्जिन सबसे कम है दैट इज द क्लोरोमीथेन एंड कास्टिक सोडा तो क्लोरोमीथेन एंड कास्टिक सोडा के बिजनेस में इनका मार्जिन सबसे कम होएगा अगर आप इनका बिजनेस मिक्स देखते हैं तो 31% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो पीटीएफई से आते हैं और वैल्यू एडेड ग्रेड्स और पीटीएफई से आते हैं 13% एज फ्लोरोपॉलिमल से आते हैं 11% परसेंट फ्लोरोपेशर्टीन परसेंट रेफ्रिजरेंट गैसेज और 9% परसेंट कॉस्टिक सोडा और 12% परसेंट क्लोरोमीथेन एंड बाकी अदर्स से सो so, माने जो बल्क केमिकल बिजनेस है जहां पे क्लोरोमीथेन और कॉस्टिक सोडा बनाते हैं सो दैट इज 20 टू 25 ऑफ द बिजनेस रेफ्रिजरेंट गैसेस बाय एंड पे तो 13 11 13 11 टू ऑफ द बिजनेस था बट जब से एफ आई स्टार्ट हुआ है तब से रेफ्रिजरेंट गैसेज का भी थोड़ा सा मिक्स पहले दो क्वार्टर में बढ़ गया था क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट गैस एंटर करी थी जहां पे उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी तो तो ये तो इनका रेवेन्यू मिक्स है और ये इनका जो बिजनेस के जो मार्जिन मिक्स वो है तो यहां पे हम एक एक बिजनेस डिविजन को के उसका जो आपके घर को ठंडा को यूज करने के लिए यूज होती है जैसे आपके जो एयर कंडीशनर है उनके अंदर यूज होती है इंडस्ट्रियल कूलिंग सोल्यूशन में यूज होती है साथ साथ अगर मॉल के अंदर एसी लगा है तो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेज यूज रही है फ्रिज के अंदर जो आपकी गैसेज है डाटे

फ्लोरोस्पार और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज करके रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाई जाती है एंड पीछे से क्लोरोमीथेन चाहिए होता है आपको जो दूसरी साइड से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की वैल्यू चेन में से आ रहा है क्लोरोमीथेन भी चाहिए होता है एंड आपको क्लोरोफॉर्म भी चाहिए होता है सो so दिस तो अब यहां पे क्या है कि रेफ्रिजरेंट गैसेस में ओवर दर्स फोर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस थी इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबिलिटी दोनों एसआरएफ और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की समझ आए तो चार टाइप्स के कौन सी हैं यहाँ पे पहली थी क्लोरो फ्लोरोबन सी दूसरी कौन सी थी एच सी एफ सी डेट इज हाइड्रोक्लोरोलोरोबन तीसरी टाइप की कौन सी है एच एफ सीज दट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड लास्ट टाइप की कौन सी है रेफ्रिजरेंट गैस डेट इज बाय द नेम ऑफ एच एफ ओ डेट इज हाइड्रो ओलियोफिल्स तो यहां पे इन चारों रेफ्रिजरेंट गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत डिफरेंट है तो जो क्लो, क्लोरोफ्लोरोबन है यहां पे ओजोन लेयर की डिप्रीशन दिप्री, कर रहे थे एंड इस वजह से क्लोरो को फेज आउट कर दिया गया था तो एक ट्रीटी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री वर्ल्ड में क्लोरो को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती इस वजह से जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे उनको वर्ल्ड से फेज आउट कर दिया गया था फिर दूसरे टाइप के कौन से थे हाइड्रोक्लोरोबंस यहां पे हमारी R22 गैस आती है एक्जाम्पल में एंड ये नाइनटी और टू के अंदर इनका यूसेज काफी बड़ा तो यहाँ पे एस आर एफ का एक ब्रांड है फ्लोरॉन नवीन फ्लोरिन का मैफरॉन है वेर uh, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आर ट्वेंटी टू का डेट इज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर आर ट्वेंटी टू को भी एज अ पार्ट ऑफ केगाली अग्रीमेंट वहाँ पे फेज आउट करने का डिसाइड कर दिया गया कि ट्वेंटी थर्टी के आसपास ऑलमोस्ट सारा आर ट्वेंटी टू का जो एमिसिव यूसेज है डेट विल बी फेज आउट अब फेजिंग आउट की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के अंदर इसका कैपेसिटी शटडाउन हो रहा है जिसकी वजह से आर ट्वेंटी टू के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जब हम PTFE की बात करेंगे जब हम फ्लोरो वैल्यू चेन में देख सकते हैं और टीएफ से क्या बनता है आपके इंटीग्रेटेड like तो, तो होना ही पड़ेगा चाहे आप उसको नॉन एमिसिव यूसेज के लिए कर रहे हैं पर तो बहुत सारी कंपनीज इस कैपेसिटीज को फेज आउट कर रही हैं जिसकी वजह से आर ट्वेंटी टू के प्राइसेस बढ़ रहे हैं सो इंटीग्रेशन सॉर्ट ऑफ गिव्स यू एन एडवांटेज जो इंडिया में आज नवीन फ्लोरिन एस आर एफ और जीएफएल तीनों ही इंटीग्रेटेड है आज तो ये तो हमने एच की बात करी और एच भी इस टाइम पे वर्ल्ड से फेज आउट हो रही है तीसरे टाइप का कौन सा है हमारे पास एच एफ सीज डेट इज हाइड्रोफ्लोरो तो एच एफ सीज एच की रिप्लेसमेंट है एंड एच एफ सीज में सबसे कॉमन यूसेज कौन सी है दैट इज़ आर वन थर्टी फोर है जो एयर कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा यूसेज होती है फिर एच एफ सीज में हमारे पास कौन सी आती है एच थर्टी टू आती है फिर आर वन आर फोर वन ज़ीरो आता है एक करके एक प्रोडक्ट आता है पर अब क्या हो रहा है कि जो आपकी एच सी एफ सी है उसमें वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग एच सी एफ सी कौन सी है दैट इज आर वन ट्वेंटी फाइव इस नाम से नाम से आप घबराइए ना आर वन ट्वेंटी फाइव के नाम से अब R125 को अगर आप कंबाइन करेंगे R32 के साथ जो एक HFC है तो उससे आपके का क्या बनेगा R410 तो अगेन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ HFC सो सिंपली यहां पे क्या हो रहा है इन बिजनेस में कि अभी एच भी फेज आउट कर दी जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट एंड आपके जो R125 है वो भी 2024 2025 से यूएस के अंदर उसका फेज आउट स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीटली तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इस टाइम पे R125 बनाते हैं R142B बनाते हैं जिसका सिर्फ के लिए usage हो आज पे R22 बनाते हैं तो आज जो इनकी सेल्स हैं आपके इस बिजनेस के अंदर रेफ्रिजरेंट गैसेज के एक तो आर वन फोर्टी टू बी की कुछ आउटसाइड सेल्स हो सकती है अगर वो इनसाइड नहीं यूज हो रही पीवीडीएफ के लिए और कहां पे सेल्स हो रही है इनकी और इनकी जो दूसरा बिजनेस है दैट इज जो वर्ल्ड में में फेज आउट हो जाएगा 2024 2025 में, वहां पे पे इस टाइम सेल्स है बट वो भी प्लांट इनका कहां यूज हो जाएगा दैट दैट गेट गेट कैन यूज्ड टू मेक ब्लेंड्स अगर आप आर वन ट्वेंटी को कंबाइन करते हैं आर थर्टी के साथ तो आपके पास आर फोर का ब्लेंड बन जाएगा तो हो क्या रहा है कि डिफरेंट रेफ्रिजरेंट गैसेस को यूज करके भी उनके क्लीनर फॉर्म्स ऑफ ब्लेंड्स बनाए जा रहे हैं सो दिस इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द बिजनेस जो आगे आने वाले टाइम में होएगा तो आर 22, आर में गुजरात केमिकल्स ने 125 करोड़ का अनाउंस नवीन ने भी एट्टी करोड़ का के पैक्स अनाउंस करा है यहां तक जो एसआरएफ है आपका वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं तो अब आप सोचेंगे ये तीनों कंपनीज एक्सपैंड क्यों कर रही है एसआरएफ का ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टन का कपैसिटी एक्सपेंशन आ रहा है सिंपल रीजन है क्योंकि मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया मार्केट में वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ है क्योंकि यूएस ने आपके चाइनीज uh, सप्लायर्स पे लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो है तो चाइनीज कंपनीज पे एंटी डंपिंग ड्यूटी है रेफ्रिजरेंट गैसेस में लाइक uh, इंडिया like में इंडिया ने भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है चाइनीज रेफ्रिजरेंट गैसेज सप्लायर्स पे देन इसके साथ साथ अगर आप यहां देखेंगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आर पे भी लगी है और आर पे भी लगी है फ्रॉम यूएस सो दिस गिव एन आइडिया कि मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो रखा है बिकॉज चाइनीज सप्लायर्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है आफ्टर ट्रेड वॉर स्टार्टेड आर वन ट्वेंटी फाइव पे तो एक्चुअली ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक एंटी डंपिंग ड्यूटी है सो दिस गिव्स यू एन लॉर्ड ऑफ आइडिया कि कैसे यहां पर uh, एक मार्केट वैक्यूम क्रिएट हो रखा है जो इंडियन कंपनीज इस टाइम पे फुलफिल कर रही है एक्सपेंशन कर करके इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो न्यू एज रेफ्रिजरेंट गैसेज कौन सी आ रही है दैट इज एच एफ ओ इसको हम क्या कहते हैं हाइड्रो ओलियोफिल्स तो इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है दैट इज एज लो एज वन किलोग्राम ऑफ कार्बन राइट कार्बन डाइऑक्साइड तो माने इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत लो है एच का और एच अभी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो दोनों हनीवेल uh, well के पास है और केमोल करके है उसके पास है एंड ये जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो नवीन फ्लोरीन कर रहे हैं फॉर हनी वेल अगर आप गुजरात फ्लो केमिकल्स की बात करते हैं तो ये जो एच एफ ओज है तो दोनों एस आर एफ और गुजरात फ्लो केमिकल्स पास टेक्नोलॉजी है टू मैनुफेक्चर एच एफ ओज और इसका जो पेटेंट है दट गोज ऑफ इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग दोनों एस आर एफ और गुजरात फरोमिकल आफ्टर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स स्टार्ट कर देंगे पर ये जो मॉलिक्यूल एच एफ ओ के ये मॉलिक्यूल इट सेफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट सीएजीआर पे ग्रो कर रहे हैं इस वजह से नवीन फ्लोरिन का जो एचपी बिजनेस है माने जो एचएफओ वाला बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं

वट हैज बीन योर फेवरेट ऑन फेवरेट वीडियो में से आपकी क्या 3 key learnings थी and जिसका भी चांस टू विन हंड्रेड बैगल्स तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया ताकि आप सबको एक आइडिया रहे कि आपकी क्या की लर्निंग्स हैं आप सारे वीडियोस एंड टू एंड देखते हैं and जिसका भी एंड इसके साथ साथ वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट मेक श्योर डे यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो यू हैव लाइक द वीडियो तभी आप इस इस uh, इस कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबल होंगे सो विद दिस दिसट सी योर कॉमेंट्स नाउ कमिंग बैक टू गुजरात केमिकल्स एंड अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरोपोलिमर्स होते हैं तो गुजरात गुजरात केमिकल्स का जो मेन बिजनेस सेगमेंट है इज ऑफ फ्लोरोपोलिमर्स क्योंकि फ्लोरोपॉलीमर्स में इनकी थर्टी वन परसेंट सेल्स पीटीएफ से आती है एंड थर्टीन टू फोर्टीन परसेंट सेल फ्लोरोपोलीमर से आती है टोटल में फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द सेल्स इनकी इस बिजनेस डिवीजन से आती है तो फ्लोरोपॉलिमस होते क्या एक बार सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं सो आर नथिंग, बट इट इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज हाइली रेजिस्टेंट टू केमिकल फ्रिक्शन हीट अब्रेशन और नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज इस वजह से आपके फ्लोरोपोलिमल अगर आप देखेंगे तो फ्लोरोपोलिमल आपके जैसे टेफलॉन जैसे आपके पैन पे यूज होता है इन साथ साथ इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है एरोप्लेन में एप्लीकेशन है सेमी की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी है उसकी हीट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोपोलिमल साथ साथ आपका जो प्रोटोन एक्सचेंज है मेमोरिन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में यूज

साथ साथ अगर आप ये देखेंगे तो फ्लोरो पॉलेमर, फ्लोरो पॉलेमर की अगर आप मार्केट साइज देखेंगे तो मार्केट साइज ऑफ फ्लोरोपोलि करंटली इट इज क्लोज टू एट बिलियन डॉलर्स तो फ्लोरोपोलिमर्स की जो आज मार्केट साइज है एट बिलियन डॉलर्स की है जिसमें से अगर आप पीटीएफई की बात करते हैं तो पीटीएफई वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोरोपोलिमर था विच वॉज डिस्कवर्ड बाय डू तो पीटीएफई की मार्केट साइज पूरे वर्ल्ड में थ्री पॉइंट वन बिलियन डॉलर्स के आसपास का है एंड पीटीएफई का जो टोटल बेसिकली साइज है मार्केट का दैट इज समवेयर क्लोज टू दैट इज समवेयर क्लोज टू टू लैख टन के आसपास तो टू लैख टू टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड पूरी वर्ल्ड की कैपेसिटी है पीटीएफई की Whereas, अगर आप गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात करते हैं तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का आज जो वर्ल्ड कैपेसिटी में ऑलमोस्ट परसेंटेज है तो आज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का 10 टू 11 परसेंट वर्ल्ड मार्केट शेयर है कपेसिटी इज एक्सपेंडिंग बट इनके पास जो पीटीएफई के ग्रेड्स हैं दैट इज मच डिफरेंट देन वॉट चाइनीज पीटीएफ चाइना में लार्जेस्ट पीटीएफई प्रोड्यूसर कौन है इट्स कंपनी बाय द नेम ऑफ डॉंगी तो जब हम PTFE टू बी एनालिसिस करेंगे इंटरनेशनल पीयर्स के साथ तब हम देखेंगे तो डोंगी नाम की कंपनी है उसके पास लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ पीटीएफई चाइना में मेरास गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के पास मोर देन हंड्रेड ग्रेड्स हैं पीटीएफई के तो यहाँ पे कंपेटिटिव एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस की भी कैपेसिटी आ रही है डोमेस्टिक में क्योंकि टी से आप पीटीएफ बना सकते हैं तो एस पास भी फुल्ली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है पर गुजरात फ्लो केमिकल्स का यहाँ पे क्लेम है कि एटी फाइव परसेंट ऑफ द पीटीएफ इज इन टू वैल्यू एडेड ग्रेड्स एंड ओनली फिफ्टीन परसेंट ऑफ द पीटीएफ इज इन कमोडिटी ग्रेड्स जिसमें अभी SRF और डोंगी काम कर रहे हैं तो एस आर एफ यहाँ पे क्या बात करें तो एस आर एफ क्लोज टू फाइव के आसपास ऑलरेडी कैपेसिटी हो जाएगा तो दिस इज वॉट गुजरात केमिकल्स इज डूइंग इन पीटीफ बट पीटीएफ के अंदर अभी एक दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि पीटीएफ जिस एक मटीरियल uh, से बनते हैं जिसको हम कहते हैं पीफेस पीफैस क्या होता है तो पीफेस एक तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके कभी भी डिग्रेड नहीं होते बेसिकली दीज आर नोन एज फॉर एवर मॉलिक्यूल्स या फॉर एवर केमिकल्स तो ये इन्वायरमेंट में थ्रू प्रोडक्शन आ जाते हैं पीफेस के एंड साथ साथ वॉश एंड वेयर में क्लोथ्स में आ जाते हैं फिर इंसिनरेशन के टाइम पे आ जाते हैं लैंड में आ जाते हैं साथ पी के साथ टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री से पीफैस बहुत क्रिएट होता है लैंड फिल में पी रह जाता है फिर वाटर कंटेमिनेट हो जाता है पीफाइस से फिर प्रोडक्ट यूज के बाद ऐसी सारी चीजें होती है एंड साथ आपके अगर जो सी अगर आप सी वाटर में देखते हैं तो जितनी भी फिशेज और बेसिकली मरीन लाइफ रही है तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम हो जाती है पीफा सा फॉर एवर केमिकल्स तो इससे क्या हुआ है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज क्या कह रही है पीफाइस को प्रोडक्शन से फेज आउट करो तो so इस वजह से थ्री एम जो इनका कंपेटिटर था फ्लोरोम जो पीफे पीटीएफ जो बनाता है जो एफके एम बनाता है एफई पी बनाता है और आपका पीवीडीएफ बनाता है सो डैट कंपनी इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस तो वो थ्री एम यहां पर क्या कर रहे हैं कि अपना जो ये वाला डिविजन है इसको यहाँ से फेज आउट कर रहे हैं तो so उनपे कुछ लिटिगेशन चार्जेस भी वन टू टू बिलियन डॉलर के हैं तो वहां पर वो अपना पीटीएफई का डिविजन टाइम पे बंद कर रहे हैं क्योंकि वो पीफैस यूज करके प्रोडक्शन करते हैं तो केमोल्स की जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो भी पीफैस को यूज करके बनती है तो पीफैस वहाँ पे बहुत स्मॉलर uh, मॉलिक्यूल्स में यूज होते हैं बट डैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड यूएस में उसके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा इशू हो रखे एंड फाइनली सोल्वे की बात करते हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक कंपेटेटर है तो सोलवे का 2026 तक हो सकता है वो पी फैस फ्री हो जाए टोटली totally. पर इटली में जो उनका पीटीएफ का प्लांट है वो उस पे, पे उसको इस टाइम बंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पी फैस यूज करके उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट आर अराइजिंग इन द वर्ल्ड पर गुजरात फ्लोरो केमिकल्स दे क्लेम दैट दे आर मेकिंग लाइक लाइक मेकिंग्लोरोम विदाउट द यूज ऑफ पी फैस बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू तो एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू की वजह से अपनी प्रोडक्शन लाइन को वो पी फैस फ्री ले गए हैं जो ओवर नेक्स्ट वन टू थ्री इयर्स में पूरी प्रोडक्शन लाइन ही पी फैस थ्रू चले जाएगी एंड दिस इज वाई दे आर दैट अभी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है वट इज हैपनिंग की वर्ल्ड में पीटीएफी का एक वैसी सप्लाई चेन क्रंच चल रहा है बिकॉज आर ट्वेंटी टू की कपेसिटी जा रही है तो वर्ल्ड में जो पीटीएफ की प्राइसिंग है वो पर किलो से अभी टेन टू ट्वेल्व डॉलर पर किलो चली गई है एंड ऑल्सो वेन दीज कैपैसिटीज तो हो सकता है या ना हो हमें नहीं पता क्योंकि हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते शायद से प्राइसिंग और भी ऊपर चले जाए यहां पर सस्टेन कर जाए बट डेफिनेटली प्राइसिंग ऊपर गई है तो एक ओवरअर्निंग का एलिमेंट जरूर है कि प्राइसिस के ऊपर गए हैं तो आपको दिमाग में यह जरूर रखना है अब हम बात करते हैं जो बाकी इनके फ्लोरोपोलिमर्स तो अगर हम फ्लोरोपोलिमर्स के यूनिवर्स में देखते हैं तो यहां ये यह जो हम सोलर की बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पे आपको सब दिखेगा तो पीवीडीएफ में पीवीडीएफ की क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी और हाई डायलैक्ट्रिकल स्ट्रेंथ एंड यूवी रे, बेसिकली रेजिस्टेंस रे इस वजह से ये सोलर पैनल्स की बैकशीट पर यूज हो रही है एंड यूजर कौन है पीवीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रोसेसिंग सेमी कंडक्टर्स एरोस्पेस एंड कंस्ट्रक्शन ग्लोबल पीवीडीएफ रेजन की मार्केट ट्वेंटी मिलियन की थी और प्रोजेक्शन है कि कुछ ये सेवन टू नाइन के

कहा यूज होता है केमिकल एंड प्रोसेसिंग में ऑयल एंड गैस में कुकवेयर में फाइबर ऑप्टिक्स में सेमी कंडक्टर में वायर्स एंड केबल्स में एस्टिमेटेड मार्केट साइज अभी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी एट मिलियन डॉलर का है, जो फाइव परसेंट सी ए जी आर पे ग्रो कर रहा है पे कौन पियर्स है थ्री एम डाइकिन और हेलो हेलोपॉलीमर जो एक रशियन प्लेयर है FE, की की भी बात करते हैं सो अगेन ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्स एंड केबल्स फिर साथ साथ अगर आप ग्लोबली मार्केट देखते हैं अभी 695 मिलियन की है जो 8% परसेंट सीएजीआर पे ग्रो कर रही है अगेन पियर्स कौन है यहाँ पे हेलो पॉलिमर डाइकिन डोंगी केमोज 3M एम एंड एजीसी कॉरपोरेशन फाइनली अगर आप एफकेएम की बात करते हैं तो एफकेएम में हम कैपेक्स की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा ये 11 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर गुजरात केमिकल्स टारगेट कर रहे हैं तो इन सारे फ्लोरोपोलिमर्स की एक्चुअली हमने कैपेसिटी लेवल कैपेसेस ब्रेकअप करें तो ये इसका यूसेज क्या है एफके एम का दैट इज इन ऑटोमोटिव एरोस्पेस एंड ऑयल एंड गैस फिर एफके एम की अभी वर्ल्ड मार्केट वन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर्स की है

तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स का जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट के आसपास है Whereas अगर आप न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स को देखते हैं तो न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स का जो बेसिकली रेवेन्यू रन रेट है दैट यूज टू बी बियरली फोर पॉइंट नाइन करोड इन एफ आई सेवनटीन अगर आप लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आप जाके एक्सपोर्ट डेटा भी निकालते हैं एंड देन इफ यू गो टू लाइक अक्टूबर ट्वेंटी टू जो एग्जिट हुआ है तो वहां पे ऑलमोस्ट नाइनटी करोड़ अ मंथ के पास है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी न्यू एज फ्लोरोपोलीमस हैं तो जितने भी न्यू एज फ्लोरो फ्लोरोपोलिमर्स की कैपेसिटी है

माने uh, 0.82 एक्स के ऐसे टर्न पर 28% का आईआरआर माने कि मार्जिंस काफी ज्यादा होंगे उस बिजनेस में वेयर अगर आप गुजरात फ्लोकेमिकल्स की बात करते हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटी 18500 टन के आसपास होगी इस बिजनेस में एंड अगर एसआरएफ uh, का 600 करोड़ का सेल आता है 4500 टन ऑफ कैपेसिटी से तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी टोटल कैपेसिटी पे आई थिंक दे कैन डू मोर देन टू थाउजेंड करोड इन न्यू एज बिजनेस इसके साथ साथ हम जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनके कैपेक्स प्लान को देखते हैं तो एक बार पे गुजरात फ्लोकेमिकल एसआरएफ नवीन जो इनके पियर्स भी हैं उन सबका कैपेक्स प्लान देखते हैं कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करें और किस हिसाब से अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं साथ साथ जब हम गुजरात का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान देखेंगे तो इनके जो पीयर्स है उनके भी कैपेक्स प्लान की हम बार बार बात करेंगे तो ओवर एफआई ट्वेंटी थ्री एंड एफआई ट्वेंटी फोर गुजरात फ्लोरोमिकल वेहीकल्स का कुछ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ का कैपेक्स प्लान है दैट इज ट्वेल्व फिफ्टी करोड दिस ईयर एंड ट्वेल्व फिफ्टी करोड द नेक्स्ट ईयर अब ये कैपेक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो ये कैपेक्स ऑलमोस्ट सारे डिविजन के अंदर है तो फर्स्ट डिविजन की बात करते हैं डेट इज फ्लोरोपोलिमल्स तो फ्लोरोपोलिमल्स में जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का कैपेक्स प्लान है तो यहाँ पे ये पी की जो कपेसिटी है जो हमने टेफलॉन की बात करी थी विच इज यूज इन पैन एंड स्टफ तो पी का कपेसिटी एटीन थाउजेंड टन पर एनम से ट्वेंटी वन थाउजेंड विरास अगर हम सेकेंडली यहाँ पे बात करते हैं एफ के एम की कैपेसिटी की तो एफ के एम जो ऑटो और, और, और माने जो ऑयल एंड गैस व्हीकल्स हैं उनमें यूज होता है आइस इंजन व्हीकल्स में तो एफके एम की कैपेसिटी इनकी इस टाइम पे टोटल में अगर आप एफ आई ट्वेंटी टू में देखते हैं तो इट टू टेक द टोटल कैपेसिटी टू सेवन थाउजेंड टन पर एनम एंड कंपनी का जो है, इट इज सेट टू बी इट इज टोटली प्री बुक्ड एंड इसका फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट यूसेजेस आइस ऑटोमोटिव में माने जो आइस व्हीकल्स हैं साथ साथ यहां पे लाइकली आफ्टर दिस एक्सपेंशन एफकेएम एम की कैपेसिटी में गुजरात फेरोमिकल्स का इलेवन टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर हो जाएगा फिर जो सेकंड यहाँ पे कैपेक्स प्लान है डैट इज ऑफ पी तो पी जो बैटरीज में यूज यूज़ होता है सेल सेपरेटर सर पी वी में यहाँ पे क्या कैपेक्स प्लान है सो फर्स्ट थिंग इज दैट वन पॉइंट का रिएक्टर अभी इनके पास राइट एंड पी में दे वॉन्ट टू टेक टोटल कैपेसिटी टू फोर पॉइंट टन फिर थर्ड इनका जो कैपेक्स का प्लान है डेट इज इन पीएफए तो पीएफए आपके सेमीकंडक्टर के अंदर यूज होता है 5G में यूज होता है राइट right? एंड साथ-साथ आपके जो डिफरेंट uh, टाइप की एप्लीकेशंस uh, है 5G और uh, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उनमें यूज होते हैं तो पीएफए का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है डेट इज 4x माने अभी GFL के पास 1 रिएक्टर ऑफ 720 टन पर एनम व्हिच विल गो टू 2.9000 टन पर एनम तो ये तो इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है दिस इज इन फ्लोरोपोलिमर एंड फ्लोरोपोलिमर में इन्होंने एफआई ट्वेंटी थ्री में फाइव हंड्रेड करोड के आसपास स्पेंड करें एंड आउट ऑफ दिस फाइव हंड्रेड करोड दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट वन पॉइंट सेवन टू टू एक्स एसिड टर्न तो आप इसकी सेल्स का एस्टिमेट लगा सकते हैं और हमने फ्लोरोपोलिमर्स की जो सेल्स ग्रोथ है ऑलरेडी पहले देख रखी है जो भी न्यू एज फ्लोरोपोलिमर है तो ये तो इनका कैपेक्स है फ्लोरोपोलिमस का कैपेक्स आता है, इज फॉर रेफ्रिजरेंट गैस। रेफ्रिजरेंट गैसेज में जो आर थर्टी टू के प्लान है क्लोज करोड़, एंड टेन एनम का प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो नवीन इस टाइम पे फोर थाउजेंड टन काफ की बात करेंगे तो एक्सपेंडिंग सिक्स टू सेवन थाउजेंड टन इंक्रीमेंटली बट अगेन कमिंग बैक टू गुजरात फ्लो केमिकल्स थर्ड जो यहाँ पे इनके कैपेक्स का प्लान देखते हैं डैट इज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी केमिकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल वे, बैटरी केमिकल्स में यहाँ पे लिप एफ सिक्स का कैपेक्स कर रहे हैं डैट इज लिथियम एक्साफ्लोरो उससे ये बाद में इलेक्ट्रोलाइट भी बनाना चाहते हैं तो जो लिप एफ सिक्स के कैपेस के लिए इन्होंने एक होली ओन सब्सिडरी अलग से सेटअप करी है ताकि वहाँ पर ये अलग से सिर्फ जो बैटरी केमिकल का कैपेक्स है वो होली ओन सब्सिडरी से होगा करंटली ये जो कंपनी है 1800 हंड्रेड टन्स पर एनम का यहाँ पे प्लांट लगा रही है डेट इज वॉल लिप एफ सिक्स एंड इसकी जो प्रोडक्शन है आई थिंक बाई एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर स्टार्ट होनी चाहिए सो दिस इज विद लिप एफस्टिक्स एंड उसके बाद ही इलेक्ट्रोलाइट में भी जाएंगे अब यहाँ पे जो इनका एक पीयर है बाय द नेम ऑफ न्योजेन केमिकल्स तो नियोजन केमिकल्स ने भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेक्स और इस, आ, लिप एफ्टिक्स का कैपेक्स अनाउंस करा है तो न्योजन केमिकल्स का जो कैपेक्स आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटी फाइव थाउजेंड टनस की आ रही है वैसे जो लिथियम सॉल्ट्स हैं जो लिप एफ्टिक्स है उसका इनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट वन थाउजेंड टनस पर एम का आ रहा है सोगे न्यूजन केमिकल्स ने भी 450 करोड़ के आसपास का टोटल कैपेक्स अनाउंस करें, विच इज ऑल्सो फॉर अदर प्रोजेक्ट्स बट इसमें अगर आप इलेक्ट्रोनाइट एंड साथ सा, अगर जो लिथियम सॉल्ट का कैपेक्स देखते हैं तो न्यूजन केमिकल्स भी इस टाइम पे कर रहे हैं जो गुजरात फ्लोरो केमिकल्स कर रहे हैं तो इट रिमेन्स टू तो बी सीन कि कैसे इस मार्केट को क्रैक करते हैं क्योंकि इंडिया में जो बैटरी केमिकल की मार्केट है दट इज दैट विल डेवलप आफ्टर एफ आई ट्वेंटी फाइव क्योंकि बहुत सारे नीथियम आइन सेल बैटरी के प्लांट्स इंडिया में भी आ रहे हैं सो ऑलरेडी देयर इन डिस्कशन विद ऑल द बैटरी मैनुफैक्चरर्स एज फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल्स तो ये तो कैपेक्स प्लान है कि वो नेक्स्ट टू ईयर्स ऑलमोस्ट मतलब इस ईयर को कंसिडर करके नेक्स्ट ईयर को तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड्रेड्रेड करोड का कैपेक्स लाइफ जा रहा है सो दिस इज विद द कैपेक्स प्लान्स अगर हम इनके पीयर्स के कैपेक्स देखते हैं सो वन थिंग वैट दट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब भी आप इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंडस्ट्री में एक प्लेयर कभी भी हमेशा आइसोलेशन में ग्रो नहीं करेगा अगर आइसोलेशन में ग्रो कर रहा है तो इट इज ऑलरेडी डूइंग बेटर बट यहाँ पे नवीन फ्लोरिंग एंड एस आर एफ दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अगर आप एस आर एफ का कैपेक्स प्लान देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि एस आर एफ इस टाइम पे थर्टीन थाउजेंड करोडस का कैपेक्स लाइक जो एस्पिशन आस्पिरेश, स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट फोर ईयर्स केमिकल बिजनेस में करना चाहता है तो ऑलरेडी वन थाउजेंड करोड़ का कैपेक्स लास्ट टू क्वार्टर में अनाउंस करे साथ साथ एस आर एफ भी जो न्यू एज फ्लोरो पॉलिमर्स है उनके अंदर आ रहे हैं डैट इज पी वी डी एफ एफ के एम एन एन एफ ई पी तो यहाँ पे सिक्स हंड्रेड करोड्स का एस आर एफ कैपेस करे न्यू एज फ्लोरो पॉलिमर्स में जहाँ पे देक्सपेक्टेड ट्वेंटी एट परसेंट आए रहा है देन साथ साथ नाइनटीन हंड्रेड करोड़ का कैपेक्स केमिकल बिजनेस में लास्ट नाइन मंथ्स में अनाउंस कर चुके हैं एंड जो ओवरऑल कैपेसिटी आ रही है टारगेटिंग ट्वेंटी एट हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड करोड कैपेस गोइंग फॉरवर्ड दट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बी सो दिस इज विद एस आर एफ कैपेस प्लान एंड अगर हम नवीन फ्लोरिन का कैपेस प्लान देखते तो नवीन फ्लोरिन का जो नेट ब्लॉक था एक टाइम पर सिर्फ फाइव फोर्टी करोड का था वे सी डब्ल्यू आईबी में ऑलमोस्ट मोर देन वन थाउजेंड करोड़ कापेक्स था तो टोटल कैपेक्स अनाउस्ड बाय नवीन फ्लोरिन माने सिर्फ 500 करोड़ के नेट ब्लॉक पे गया आपके यहाँ सिर्फ आज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसमें मोर देन एक्चुअली 1500 करोड़ का कैपेस अनाउंज बाय नवीन फ्लोरिन सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया डेट दी इंटायर थ्री प्लेयर्स आर ग्रोइंग दर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग तो नवीन फ्लोरिंग फ्लोन का अगर आप कैपेस देखते तो यहाँ पे इनके जो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं नवीन की तो आपको बेटर आइडिया लगे आज से ढाई तीन साल पहले करी थी तो नवीन का जो प्लान है डैट इज़ फॉर एक जो एच एफ ओ करके मटीरियल है उसके लिए कैपेक्स कर रहे हैं थ्री सिक्सटी फाइव करोड़्स का वहाँ पर सेवेंटी करोड़ का लाइक पावर प्लांट भी लगाए वो ऑलरेडी कमर्शलाइज हो गए फिर वन नाइनटी करोड़ का वन नाइन्टी फाइव करोड़्स का एक एग्रोकेमिकल प्लांट के लिए देन उसके साथ साथ सी जी एम पी थ्री जहाँ पे वो क्रैम्स का बिजनेस करता है उसके लिए डी बॉटल नेकिंग कर रहा है तो वहाँ पे सेवेंटी फाइव करोड़ लग रहे हैं देन एडिशन ऑफ फोर थाउजेंड टन्स फॉर एन ऑफ एच एच थर्टी टू तो एट्टी करोड़ का कैपेक्स नवीन कर रहा है तो विच विल गिव दम टू हंड्रेड करोड्स ऑफ सेल्स एज पर देयर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कॉल्स तुमने एच थर्टी टू गुजार फेरोमिकल में भी देखा नवीन में भी देखा और एस आर एफ में भी देखा हमने वीडियो में पहले भी देखा फिर नवीन इज आल्सो डूइंग अ वन फोर्टी करोड़ कैपेक्स फॉर एन एग्रो केमिकल प्लांट फिर साथ साथ सी जी एम पी फोर की बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिंग एंड साथ स्पेशलिटी केमिकल का एक डेडिकेटेड मॉलिक्यूल प्लांट आ रहा है फाइव फोर्टी करोड्स का एंड फाइनली साथ साथ डी बॉटल नेकिंग ऑफ जो एग्रो केमिकल प्लांट है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं सो दिस डिज यून आइडिया दैट दी इंटायर इंडस्ट्री इज गोइंग एस आर एफ का कैपेक्स देखा हमने गुजरात फरोकेमिकल्स का देखा नवीन का देखा इन साथ नियोजन केमिकल्स का भी देखा जो so इलेक्ट्रोलाइट और आपके बैटरी केमिकल्स के अंदर है तो दिस आइडिया कि कैसे पूरी इंडस्ट्री में इस टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है तो हम गुजरात फ्रोकेमिकल का पी टू भी एनालिस कर दें इंटरनेशनल पियर्स के साथ क्या कपैसिटी है इनकी नहीं है एंड साथ हम थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स की बात करेंगे और ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे प्लीज वॉच द वीडियो टिल दी एंड क्योंकि एंटी थीसिस पॉइंटर्स पता करना इज मच मोर इम्पोर्ट मैं आपके साथ एनल रिपोर्ट भी खोलूंगा एंड साथ पीयर की कपैसिटी और मार्जिन भी देखेंगे अगर हम पीटूपी एनालिसिस देखते हैं तो हम आर वर्सेस नवीन वर्सेस गुजरात करते हैं तो अगर आप एसरएफ के यहां पे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर 24% की ग्रोथ आई है 25% के आसपास की, की। अगर आप टोटल ईवटा में ग्रोथ देखते हैं तो 16% की है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट ट्वेंटी की ग्रोथ है सिमिलर ग्रोथ अगर आप गुजरात फेरोकेमिकल में देखते हैं तो टॉप लाइन में फिफ्टी है एट परसेंट है आप ईवटा में ग्रोथ देखते हैं तो जीएफ की सेवेंटी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 77 के आसपास ग्रोथ है सिमिलरली अगर आप आग नवीन फ्लोरिन का एक्जाम्पल लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो टॉप लाइन में ग्रोथ है नवीन फ्लोरन की वो थर्टी टू परसेंट की आई है एंड अगर आप नवीन का ईवीटा का ग्रोथ देखते हैं तो थर्टी थ्री परसेंट का एंड अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखते हैं तो ट्वेंटी सेवन परसेंट का फर्स्ट नाइन मंथ ऑफ एफ आई ट्वेंटी थ्री टू फर्स्ट नाइन मंथ ऑफ एफ आई ट्वेंटी टू अगर आप तीनों कंपनीज का प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो एस आर एफ में क्या है कि इनके जो अगर आप मार्जिन देखते हैं केमिकल बिजनेस में तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूं तो एसआरएफ के जो मार्जिन इन केमिकल बिजनेस है अगर आप यहां पे देखेंगे तो एसआरएफ के मार्जिन इन केमिकल बिजनेस थर्टी टू पॉइंट थ्री फोर परसेंटेज के आसपास है यस नवीन फ्लोरिन का जो इस टाइम पे मिक्स है तो नवीन फ्लोरिन के क्यू थ्री ऑफ एफ आई ट्वेंटी थ्री में ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंटेज का इबटा मार्जिन रिपोर्ट करा था ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास का तो बोथ एस आर एफ नवीन एंड एक्चुअली में गुजरात फोरोमिकल्स तीनों की ही मार्जिन एक्सपेंशन हुई है तो नवीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है तो ये वन टू थ्री थ्री सीरीज है कॉन्ट्रैक्ट विद हनी वेल तो ये वाई एफ वाला नहीं है जो बाकी कंपनीज बना रही है न्यू एज में तो ये एक सेकेंड टाइप का मॉलिक्यूल है एंड अगर आप नवीन फ्लोरिंग में देखते हैं तो एचपी भी थर्टी थ्री परसेंट ऑफ इस टाइम पे रेवेन्यूज है जो इनका हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वाला बिजनेस है इसके अंदर रे, रेफ्रिजरेंट गैस और ये सारी चीजें अगर हम नवीन फ्लोर इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे 44.94 परसेंटेज सीडीएमओ का बिजनेस था इस क्वार्टर के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स 22.2 परसेंटेज है बट आई थिंक जो उनकी ओवरऑल गाइडेंस है, तो सीडीएमओ बिजनेस 45-50 परसेंट हमेशा नहीं रहेगा तो हमेशा जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसका मिक्स बढ़ेगा क्योंकि उसके कैपेक्स लाइक जा रहे हैं गुजरात फेरोकेमिकल का देखते हैं तो बल्क केमिकल 20% है जो है। है। 54 है, इनके है। जिसमें और आपके जो आ, बेसिकली है, वो आते है। तो के, के केस में अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखेंगे तो इवेटा मार्जिन गुजरात फेरोमिकल के ट्वेंटी से एक्सपैंड होकर आज ऑलमोस्ट थर्टी हो गए जीरो तो ये हमारा एक की पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो हम और थीसिस पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है या नहीं है एंड क्या ये एक्सपेंशन इज बिकॉज ऑफ प्राइसिंग और बिकॉज ऑफ एंट्रिंग बेटर प्रोडक्ट मिक्स तो आई थिंक प्राइसिंग का भी इसमें कोई ना कोई पार्ट जरूर हो सकता है तो ये जब हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स की बात करेंगे तब आप उसको जरूर सुनना अगर आप लिप एफ सिक्स की बात करते हैं जो गुजरात फ्लो केमिकल्स कर रहे बैटरी केमिकल्स के लिए मार्जिन एक्सपेक्टेशन है माइनस वन तो के बीच है सो अगेन वी कि जो इंक्रीमेंटली इस वाले बिजनेस में इनका क्या मार्जिन रहता है क्योंकि एक पीयर तो कह रहे कि साढ़े अठारह या साढ़े उन्नीस परसेंट से ऊपर नीचे मार्जिन नहीं हो सकता एंड फाइनली अगर हम पीवीडीएफ की बात करेंगे तो पीवीडीएफ में कौन इनके पीयर्स है कुरेहा, आरकेमा। तो कुरेहा ने रिसेंटली रिजल्ट तो है तो जो आपके जो के होता है, प, तो अगर आप कुरेहा की तो चार्ट अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 50 बिलियन एन के आसपास आर एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी 2022 में रेवेन्यूज क्लोज होच वर लिटरली लाइक आई थिंक आज से मतलब दो साल पहले भी आप लेंगे तो 20 या 18 बिलियन एन के आसपास थे सो दिस विल गिव यू एन एक्साम्पल की एक्चुअली में बहुत ग्रोथ आ रही है पीवीडीएफ के अंदर एंड साथ साथ आप देखेंगे तो सोलवे का अभी कैपेसिटी फ्रांस के अंदर थर्टी फाइव थाउजेंड टन का था एंड सोलवे यूएस के अंदर भी प्लांट लगा रहे हैं पीवीडीएफ का क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट तो जो वहां की बैटरीज हैं या जो वहां पे जो भी यूसेज हो रही है वहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है तो टू हमेंट शुड बी डोमेस्टिकली सोर्स वजह से सोलवे यूएस में भी लगा रहे हैं

सिंपल रीजन इज बिकॉज चाइना में बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटीज आ रही है लिप एफ्टिक्स की एंड टिंकी बैटरीज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लिप एफ्टिक्स इन द वर्ल्ड अगर आप टिंकी केमिकल्स की बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लिप एफ्टिक्स इन द वर्ड एंड चाइना में ऑल्सो आर द लार्जेस्ट मैन्युफेक्चर जहां पे मोर देन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट मार्केट शेयर है राइट तो यहाँ पे जो सरप्लस और डेफिसिट है सप्लाई का तो आपके लिए मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर रूं ताकि आप खुद चेक कर पाए सो दीज आर सम ऑफ समुजार फ्रो केमिकल्पीट विद नाउ गोइंग टू

सो वी डोंट नो की जो मार्जिन ऑन नॉट एंड दिस इज अ क्वेश्चन डेट यू हैव टू आस्क यूज दिसंट ऑफ थिंकिंग सेकंडी थी पॉइंटर क्या है एंटी थीसिस पॉइंटर इज लिंक टू कॉर्पोरेट गारंटीज तो कॉर्पोरेट गारंटीज या कंटिंजेंट डाइबिलिटीज की बात करें तो कंटिजेंट डाइबिलिटीज आर ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स वो बैलेंस शीट पर नहीं दिखेंगी ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स तो यहाँ पे कॉपोरेट गारंटीज है तो आइनॉक्स ग्रुप की बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज है जैसे आइनॉक्स ग्रीन विंड एंड रेस्को ग्लोबल विंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तो इन सारी कंपनीज पे एक कॉपोरेट गारंटी है माने अगर ये कंपनीज अपने लोन नहीं रीपे कर पाती तो डेट इज फुल्ली बैक्ड बाय गुजरात केमिकल्स जैसे आईनॉक्स ग्रीन के केस के में देखेंगे कुछ थ्री एटी फोर करोड्स की है आइनॉक्स विंड के केस में देखेंगे तो सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन करोड़ के रेस्को ग्लोबल विंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के देखेंगे तो थ्री नाइनटी फोर करोड की है.

तो अगर वो एफ आई के एंड में कितना प्रून डाउन करते हैं तो वो हमें एनुअल रिपोर्ट में ही पता लगेगा जो नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट आएगी एंड दिस रिमेन्स द की ट्रैकेबल फॉर ऑल दी इन्वेस्टर्स ओवर सो आर द टू एंटी थी एंड फाइनल एंटीथी पॉइंटर इज जो सारी केमिकल कंपनीज में होता है दैट इज द रिस्क ऑफ फायर एंड एक्सीडेंट जैसे इनके प्लांट में अभी एक्सीडेंट भी हुआ था सो दीज आर दर थ्री की एंटीथीसिस पॉइंटर्स जिसके थ्रू आपको बार बार सोचना पड़ेगा

Always make or break thesis of different B2B businesses. और यहाँ पे क्या थीसिस पॉइंटर है कि कंपनी अभी 2500 करोड़ का कैपेक्स इंकर कर रही है तो इस साल भी 1250 करोड़ का था अगले साल भी 1250 करोड़ का है तो उस कैपेक्स की जो ग्रोथ है वो भी हमें दिखने लग जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज कैपेक्स में एक लैग इफेक्ट रहता है क्योंकि इस बिजनेस में क्या है कि आप पहले फ्लोरोपोलिमर्स बना रहे हैं राइट उसके बाद आप कस्टमर से अप्रूव करा रहे हैं फिर चेंजेस हो रही हैं फिर कस्टमर से अप्रूव करा रहे हैं फिर चेंजेस हो रही हैं तो प्रोडक्शन इज इन वेरी लो बैचेस लो बैचेस में प्रोडक्शन है बिकॉज द प्रोडक्शन हैपेंस इन लो बैचेस तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज जहां पे बहुत हाई बैच में प्रोडक्शन होगी जैसे अगर आप बिजनेस देखते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का तो वहां पे बहुत लो बैचेस में प्रोडक्शन होती है इस वजह से टायर इंडस्ट्री में कंपनी कंपनी गेट्स द मल्टीपल क्योंकि वहां नहीं आते तो जो चाइना के भी प्लेयर हैं जैसे हमने पी टू पी एनालिसिस में देखा था तो उनका भी जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन है दैट इज इन हाई बैचेस माने कि वो ऐसे बिजनेसेस में फ्लोरोपोलि जहां पे बहुत ज्यादा बल्क प्रोडक्शन हो सकती है बट यहां पे जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा लो बैचेस में तो हो सकता है कि कंपेटेटिव एडवांटेज स्ट्रॉन्ग हो बिकॉज ओवर द इर्स काफी ज्यादा आपने अप्रूवल्स दिए फ्रॉम द कस्टमर्स टू गेट इन टू बीज प्रोडक्ट एंड आपको यही ट्रैक करना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि न्यू एज फ्लोरोपोलिमर्स के बिजनेस में पीटीएफ के बिजनेस में साथ साथ जो आल थर्टी टू रेफ्रिजरेट गैस निकाल रहे हैं उसमें तो इन तीन डिविजन में क्या ग्रोथ आती है क्योंकि लिप एफ सिक्स की जो हमने बात करी थी पी टू बी में दैट इज जस्ट एन ऑप्शनलिटी एंड उसके हमने उसके मार्जिन भी देखे एंड वर्ल्ड में शायद से ओवर सप्लाई में जा सकते हैं So these are the three key trackables for you. What is the first key trackable?

सो दिस वॉज एंडनेस सो डू लेट नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि एंटी थीसिस पॉइंटर्स ज्यादा है या थीसिस पॉइंटर्स ज्यादा है एंड थीसिस पॉइंटर्स में एक आपको और भी एड करना पड़ेगा कि कॉपोरेट गारंटीज या कंटिन लाइबिलिटीज गो टू जीरो बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग एंटी थी पॉइंटर्स आपको थीसिस पॉइंटर में ही एड करना पड़ेगा

thank you so much for joining us hope to see you in the next video of syc Jai.